आपकी तितली कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए टीवीपुर की ढेर सारी चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में राही ने कह दिया है आश्रम को अलविदा, तो अनुपमा ने भी थमा दिया है 10 लाख का चेक। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं, जहां अब अरमान को फाइनली पता चल चुका है कि अबीरा प्रेगनेंट है। अरमान अबीरा की प्रेगनेंसी से जुड़ा एक बेहद जरूरी फैसला भी लेने वाला है। दादी साहब भूल चुकी है कि अबीरा ने रात को उनसे क्या कहा था, ऐसे में अबीरा को दादी साहब का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। अब सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, जहां अबीरा और अरमान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये तो थी आज के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा मजा लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए सीधे चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां आज राही ने फाइनली अपने आश्रम को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके बदले अनुपमा को 10 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ी है। हालांकि अनुपमा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अपनी बेटी को ले जाने के बदले मोल भाव कर रही है, लेकिन चूंकि उसके पास बस यही एक आखिरी ऑप्शन था और इसके लिए अनुपमा ने अपनी सालों की जमा पूंजी एक झटके में दे दी। अनुपमा ने आश्रम को बचाने के लिए 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया और इसके बदले राही उसके साथ अहमदाबाद चलने को राजी हो गई है। अब आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि राही कृष्ण कुंज यानी अनुपमा के घर पहुंचती है, जहां उसका स्वागत करने के लिए बच्चे तैयार बैठे हैं, लेकिन बा और पाखी आते ही राही पर चढ़ जाते हैं और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि अनुपमा का बिजनेस तोशु की वजह से ठप हो चुका है। ऐसे में बा कहती है कि इसके अशुभ कदम पड़ते ही बिजनेस ठप हो गया। ऐसे में राही कहेगी कि अगर मेरे कदम इतने ही अशुभ हैं तो ये द्वारका जाने के लिए रेडी है। लेकिन अब आप सीरियल में देखेंगे कि प्रेम अनुपमा के बिजनेस में पैसे लगाएगा और इस तरह अनुपमा का बिजनेस फिर से खड़ा हो पाएगा। वहीं आज अबीरा की प्रेगनेंसी के बारे में दूसरों से जानकर अरमान बेहद गुस्सा है, लेकिन वो अपना गुस्सा अबीरा पर निकालने की बजाय खुद पर निकाल रहा है। उसने अबीरा को कार में लॉक कर दिया है और खुद बारिश में भीग रहा है। अरमान अबीरा से पूछता है कि क्या मुझे अपने बच्चे के बारे में जानने का हक नहीं था, तुमको ये बात कब पता चली वगैरह वगैरह। अबीरा अरमान को सब कुछ बताती है। इसके बाद अरमान अबीरा की रिपोर्ट देखता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है, जिसमें अबीरा की जान भी जा सकती है। अबीरा अरमान को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। इस चक्कर में वो दादीसा के कमरे में भी अरमान को लेकर जाती है, लेकिन वहाँ दादीसा कहती है कि स्ट्रॉन्ग दवाइयों के कारण अबीरा ने रात में उनसे जो कुछ भी कहा था वो अब भूल चुकी हैं, तो तुम हमको अभी बताओ, हम तुम्हारी अभी मदद करेंगे। लेकिन अबीरा दादीसा को सब सच बताने ही वाली होती है कि उससे पहले अरमान उसे खींच कर वहाँ से ले जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं दादीसा, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, हम देख लेंगे। अब अरमान ने एक मुश्किल फैसला लिया है। दरअसल अरमान अबीरा से एबॉर्शन कराने को कहता है, क्योंकि वो अबीरा की जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अबीरा उसे लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। अरमान ने डॉक्टर से बात भी कर ली और वो अबीरा से कहता है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त है तुम्हारे पास, अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे एबॉर्शन का प्रोसेस तो ज़रूर कराएंगे। अब आप अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि डॉक्टर ने अबीरा और अरमान को 9 बजे बुलाया है, लेकिन इसे अरमान ने इसे कंफर्म कर दिया है, लेकिन अबीरा अड़ी है कि वो एबॉर्शन नहीं कराएगी। ऐसे में अबीरा अब अरमान के खिलाफ जाकर क्या करेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।